नीतीश कुमार जी हम लोग के पुराने साथी हैं, कैसे आगे बढ़े। सबसे बड़ी चीज डैमेज कंट्रोल, पूरे देश ही का डैमेज हो रहा है और देश का जो डैमेज है जनता का आदेश है, मैंडेट है कि सब लोग मिलकर के इसको कंट्रोल करिए बना, लेकिन देश बर्बादी की कगार पर खड़ा हो रहा है। समय से अपना हो जाएगा, सभी लोग एक दिल और दिमाग के हैं। सीट शेयरिंग क्या होता है, सीधे 40 सीट पर महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, कौन सी की हिस्सेदारी, जनता की हिस्सेदारी 40 सीट पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार, मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए 10 नंबर सरकारी आवास जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास है, यहीं पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद भी रहते हैं, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे आज मिलने के लिए पहुंचे थे। बिहार राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद प्रसाद सिंह भी थे, उनके साथ राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक भी थे, और साथ साथ खास बात यह है कि आज झारखंड के वरिष्ठ नेता गौतम सागर ने आज राजद की सदस्यता ग्रहण की, जो राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के हाथों द्वारा उनको सदस्यता दिलाई गई। जगदानंद सिंह का वो बयान सुने कि वो क्या कुछ बोल रहे हैं। कहाँ से आए सर वो? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज लोगों को तो नीचे कर रहा, मैं किया माइक गौतम सागर राणा जी को दल को में ज्वाइन करा। न्यूज हंट नीचे करो थोड़ा सा। ये जो हमारे झारखंड के भी हमारे अध्यक्ष हैं, बिहार के समकालीन नेताओं में किसी से बड़े नेता थे, किसी कारण से थोड़ी दूरी बढ़ गई थी, आज एक उपलब्धि है नए साल की। बिहार और झारखंड के गरीबों के पक्ष में खड़े होकर कैसे तेजस्वी जी का जो नारा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम, ऐसे जन के बीच में जा करके जन अभियान चला रहे हैं। और ये जो देश के अरबपति और खरबपति हैं, ख्याल कर लीजिए ऐसे जन धन से इनको परास्त किया जाए। धन नहीं है हमारे दल के पास, जन की अपार बहुमत है, और हम सब मिल करके जो आज देश के पैमाने पर जितने भी दल हैं मिल कर करके इन्हें परास्त नहीं करने के लिए ही, बल्कि गरीबों के उत्थान के लिए, कैसे गरीब आगे बढ़ाए, पढ़ाई लिखाई सिंचाई खेती बाड़ी रोजगार, कैसे कमजोर वर्ग का आगे विकास हो, भावनाओं से केवल देश नहीं चलता, तथ्यों पर खड़ा होकर करके देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश है पूरी राष्ट्रीय जनता दल उसके साथ लगी है। उसी कड़ी में श्री गौतम सागर राणा जी आज नए साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों से फिर से पुनर्वापसी की है। लगातार सीट शेयरिंग अरे ये सब समय से अपना हो जाएगा, सभी लोग एक दिल और दिमाग के हैं। सीट शेयरिंग क्या होता है, सीधे 40 सीट पर महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, कौन सी की हिस्सेदारी, जनता की हिस्सेदारी 40 सीट पर, जन के साथ हम जुड़े हुए हैं, और पूरे देश के पैमाने पर राष्ट्रीय जनता दल या हमारे जितने सभी साथी लोग हम लोग मिल के एक साथ लड़के 40 सीट इन दंगाइयों उन्मादियों को हटाने के लिए और एक जनमुखी सरकार बनाने के लिए सभी लोग कंट्रोल में जुटे हुए हैं। क्या तेजस्वी यादव, एक आदमी कहा जाए तो हमारा बुझा, तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, क्या कोई डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं? चर्चा डैमेज कंट्रोल, पूरे देश ही का डैमेज हो रहा है और देश का जो डैमेज है जनता का आदेश है, मैंडेट है कि सब लोग मिलकर के इसको कंट्रोल करिए बना, लेकिन देश बर्बादी की कगार पर खड़ा हो रहा है। भाजपा कह रही है कि नीतीश कुमार फिर से उधर जा रहे हैं, ये तो झूठे बेटा प्रश्न नहीं पूछने आता है। सर आपके पुराने साथी हैं नीतीश कुमार, उनको संयोजक बनाने की फिर से बात कर रहा हूँ कि बिहार के सभी नेता आगे बढ़े, नीतीश कुमार जी हम लोग के पुराने साथी हैं, कैसे आगे बढ़े। सबसे बड़ी चीज देश कैसे बचे, इसके लिए हम लोग सभी एकमत है और सभी साथी गठबंधन सभी साथी सारे हमारे समाजवादी साथी एक साथ इसके लिए खड़े हैं।
गठबंधन में सब ठीक ठाक चल रहा है क्योंकि नाराजगी की बात। हम 40 सीट पर लड़ेंगे गठबंधन के लोग, गठबंधन को क्यों नहीं ठीक? उद्देश्य जब एक है तो उसमें कहां से कोई तन भी खराब आएगा? उद्देश्य एक है कि कैसे जननमुखी सरकार दिल्ली में बैठे, केवल उन्मादी लोग उन्माद फैला करके देश को बर्बाद न करने पावे। इतनी बड़े राष्ट्रीय इच्छा को पूरा करने के लिए कौन इसे कहां पर कोई सर, आप कह रहे हैं कि कहीं कुछ तनातनी नहीं है, तो फिर नीतीश कुमार ने अरुणाचल प्रदेश में अपने उम्मीदवार की घोषणा क्यों सर? फॉर्म गिर गया आपकी गाड़ी में, फॉर्म गिर गया सर। नीतीश कुमार ने उम्मीदवार की घोषणा अरुणाचल प्रदेश में क्यों कर दी सर? अरुणाचल प्रदेश में जदयू ने उम्मीदवार उतार दिया बिना बातचीत के। अब काल हुई, आपने सुना राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह वो साफ साफ कर रहे हैं पूरे इंडिया में डैमेज कंट्रोल चल रही है, जिसको हम लोग कंट्रोल करने को कर रहे हैं, और कंट्रोल करके पूरे देश में इंडिया गठबंधन एकता के साथ चुनाव लड़ेगी और नरेंद्र मोदी को इस बार उखाड़कर फेंक देगी और इस बार इंडिया की सरकार बनेगी। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बाचा शैलेंद्र कुमार, वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।